अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सऊदी मुस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट जैसा जो लोग सऊदी अरब में इकामा होल्डर के तौर पर काम करते हैं और इन दिनों वो अपने मुल्क छुट्टी पे गए और वापस फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम अपडेट जो है सऊदी जवाजात की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आप अपना जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है यानी छुट्टी जो है वो आप बढ़वा सकते हैं। अपने कपील या अपनी कंपनी से बात करके आप अपनी छुट्टी जो है वो बढ़वा सकते हैं। तो इस हवाले से जो अपडेट है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है कि भाई हम छुट्टी पे गए हुए हैं और हमारा जो छुट्टी है वो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, तो क्या हम दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और अगर हम आ सकते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होगा। आप तमाम दोस्तों पता चले कि एक सऊदी शहरी ने महकमे जवाजात से सवाल किया है कि मेरा एक वर्कर छुट्टी पर गया हुआ है और उसका एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी कि जो उसकी छुट्टी है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी और हम उसका जो छुट्टी है उसको अफसर के जरिए से की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही है, ऐसे में हम क्या करें। सऊदी महकमे जवाजात की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि एक लिंक दिया गया है और कहा गया है कि तमाम कपील तमाम कंपनियां इस लिंक के जरिए अपने वर्कर जो इन दिनों मुल्कों में मौजूद हैं और फ्लाइट की पाबंदी की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका जो छुट्टी है वो मजीद 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो लिंक है वो आप तमाम दोस्तों को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी इस लिंक को पा सकेंगे और जहां आप कमेंट करते हैं वहां पर भी इस लिंक को शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये लिंक बड़े आसानी से मिल जाए। और आप अपने कंपनी या अपने कपिल को ये लिंक देकर आप उनको बोलें कि इस लिंक के जरिए आपकी जो छुट्टी है वो मजीद उसमें इजाफा कर दें यानी कि मजीद उसको बढ़ा दें ताकि आपको वापस आने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप तमाम दोस्तों ने अगर टिकट करा रखा है तो ऐसे में अगर आपकी छुट्टी बढ़ जाती है तो आप टिकट कैंसिल करा कर और जब फ़्लाइट ओपन होगी तो उस टाइम आप टिकट करा कर जो है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। तो और जो दोस्तों का वीज़ा जो यानी छुट्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे में आप भी अपनी कंपनी अपने कपिल से बात करें और ये लिंक जो है अपनी कपिल या अपनी कंपनी को सेंड करें और कहें इसकी मदद से आप मेरी जो छुट्टी है वो बढ़ा दें, क्योंकि ये लिंक जो है वो सऊदी जवाजात की तरफ से जारी की गई है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो फ्लाइट की पाबंदी की वजह से वो सऊदी अरब नहीं आ पा रहे हैं। तो ये लिंक जो है वो शेयर की गई है ताकि लोग जो कपील हैं जो कंपनियां हैं वो अपने वर्कर का जो छुट्टी है वो उसमें इजाफा कर सकें यानी उसको बढ़ा सकें। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे सवाल आप तमाम दोस्तों के मिल रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के सवालों का जवाब जो है वो दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।